बैठिए। दिखाइए। सबसे अच्छा वाला लेप लेके आओ जिससे घाव तुरंत भरता है। जाओ। हरिओम हरिओम। लेप ला रहा है। ये लीजिए सरकार। ये लीजिए लेप। थोड़ा जलेगा लेकिन घाव जल्दी भर जाएगा। इसे दो बार लगाना है, प्रातः स्नान के पश्चात और रात्रि में सोने से पहले। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके कितने पैसे? लो। अरे यही शेष रह गया था कि मैं आपसे पैसे लूं। अध्यापक की सेवा करना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है, और आपके हाथों से ही शिरडी का उज्जवल भविष्य निखरेगा। आपका बहुत बहुत आभार। यदि मैं इसके लिए कुछ अच्छा करूं तो ये उस प्रशासनिक अधिकारी गोकुलदास तक मेरी प्रशंसा अवश्य पहुंचाएगा। हरिओम श्रीकांत, जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक अगर तुम हमारे यहां भोजन करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसकी क्या आवश्यकता है सरकार? हर बार आवश्यकता का संबंध हो ये जरूरी तो नहीं है ना श्रीकांत। इसी बहाने गोविंदा के साथ कुछ अतिरिक्त समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। ठीक है सरकार, जैसा आप कहें। सरकार को क्या हो गया है, इतनी जल्दी पलट गए? कई होली पर भांग तो नहीं खा ली? या कहीं हमें किसी ने भांग तो नहीं खिला दी? हरिओम, आज का भी भोजन यही पर होगा श्रीकांत का। शुभ कार्य का आरंभ यथाशीघ्र होना चाहिए। दिन का और रात का दोनों समय का भोजन तुम यही करोगे। अवश्य। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा मैं चलता हूं। मां, माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। केशव मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो? वो आपने अध्यापक जी को आमंत्रित किया है ना, तो खाना तो बनाना पड़ेगा। फिर आज होली है तो कुछ त्योहार के अनुसार पकाना पड़ेगा। हरिओम हरिओम, इस घर की स्वामिनी होकर भी नौकरों की भांति काम करती हो? अरे स्वामिनी हो तो स्वामिनी के भांति रहो। आज से रसोई में पैर नहीं रखोगे तुम। ये आप क्या कह रहे हैं, तो खाना कौन बनाएगा? प्रणाम साई। राम जी भला करें। नमस्ते साई। राम जी भला करें। कैसे हैं दिवाकर जी? जी बस आपकी कृपा है साईं। आइए। अरे सुमित की माई, देखो साईं आए हैं, भिक्षा ले आओ। आई। बाबा आप आ गए। बाबा कहाँ है मेरी अंगूठी? बाबा दिखाइए। अरे सब्र करो, देता हूँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं हमारे भाई के बेटे की शादी है पूना में, और सुमित जिद करने लगा कि वो हमारे साथ तभी जाएगा जब उसे सोने की अंगूठी मिलेगी शादी में पहनने के लिए। वही लेने गया था। ये लो बेटा।
ये क्या है बाबा? अच्छी नहीं है ये, तो देखने में इतनी बेकार है। आपको कहा था जाके शहर से लेके आइएगा, वहां अलग अलग तरह की नई नई आकार की अंगूठियां मिलती हैं बाबा। पर नहीं, आप तो कभी मेरी नहीं सुनते। मुझे नहीं पहननी अंगूठी, शहर से मेरे लिए दूसरी लेके आइए, या जिससे बनवाई उससे कहिए दूसरी बना के देगा। रख लो बेटा, दोबारा बनवाने में बेकार के पैसे देने होंगे, नहीं ले आऊंगा बाद में शहर से, अभी इसी से काम चला लो। अरे अच्छी तो है, रख लो बेटा, है ना साईं? बहुत अच्छी है। तो ठीक है फिर, आप ही रख लीजिए आई, मुझे तो दूसरी अंगूठी चाहिए। सुमित बेटा, इतनी जल्दी दूसरी अंगूठी नहीं खरीद सकता मैं। तो ठीक है, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगा, वहां सब अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहन के आएंगे और मैं ये पहन के जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। बनेगा, खाना बनेगा। आज तक जो लोग इस घर में विश्राम फरमाते आए हैं, उन लोगों का परिश्रम करने का समय आ गया है। जो जो आज से रसोई का दायित्व तुम्हारा होगा, सबके लिए भोजन तुम तैयार करोगी। लेकिन ये मेरा आदेश है रुक्मिणी, यदि गलती से भी रसोई में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से सारा काम जीव करेगी, आज श्रीकांत के लिए भोजन भी ये बनाएगी। शुभ कार्य का आरंभ यथाशीघ्र होना चाहिए जीव। सुमित, पता भी है तुम्हें कितनी महंगी अंगूठी? बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है ना, तो माथा चढ़ गया है तेरा। जब खुद कमा के कुछ करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। मैं जब भी आपसे कुछ मांगता हूं तो आप मुझे कमाने की बातें क्यों सुनाने लगते हैं बाबा? आप ही का बेटा हूं मैं, आपसे नहीं मांगूंगा तो क्या पड़ोसियों से जाके मांगूंगा? एक अंगूठी मांगी थी, वो भी नहीं दे पाया आप। सोने की अंगूठी मांगी कोई साधारण चीज नहीं, सब गलती मेरी ही है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सब इच्छाएं सब ख्वाहिशें बिना कुछ कहे पूरी की है मैंने। कहां से एहसास होगा तुम्हें इन सब बातों का? एक काम करो, जाओ कमाओ और जो चाहे खरीदो अपने लिए। तो सीधा सीधा कहिए ना कि मैं बोझ हूं आप पर, ऐसे घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर आप यही चाहते हैं ना कि मैं खुद कमाकर अपनी जरूरतें पूरी करूं, तो ठीक है, आप मुझे निकम्मा समझते हैं ना। अब मैं इस घर में वापस तभी आऊंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा। जा, पहले कुछ करके दिखा फिर बात करना। तो ठीक है, जा रहा हूं बाबा। सुमित, 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 रुक जा बेटा। अहो, अहो, वो जा रहा है, रोको उसे, रोको। सुमित, सुमित, साईं, 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 मेरे ये कहने का कतई मतलब नहीं था कि वो यहां से चला जाए। अरे अरे, उसकी अभी उम्र ही क्या है, खाने खेलने की उम्र है। पता नहीं मेरी मती मारी गई थी जो मैं उससे ये सब कुछ क्या बैठा। साई, साई, सुमित चला गया। साई, कुछ करिए ना साई, रोक लीजिए उसे। सबूरी, मैं उसे वापस लाऊंगा, पर उसके लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप जो कहिए साई, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। मुझे आपका बटुआ चाहिए। बटुआ?
साई मेरा बटुआ क्यों मांग रहे हैं? अध्यापक को इतना सर चढ़ाने की क्या जरूरत थी? वो भी ऐसा अध्यापक जो गोविंदा के साथ इस तरह से बर्ताव करता है। अध्यापक नहीं हुआ, किसी रियासत का बड़ा राजकुमार हो गया। अरे तू क्या कर रही है अब तक? अभी तक खाना बनाना शुरू क्यों नहीं किया तुमने? उसे मैंने मना किया है। और तुमसे क्या कहा था मैंने? जो भोजन बनाने का दायित्व तुम्हारा है, और तुम घर का शेष कार्य कर सकती हो, चाहे तो भोजन बनाने में केवल सुझाव दे सकती हो। यदि और किसी प्रकार की सहायता करती पाई गई तो उसी क्षण यहां से निकल जाना और वापस कभी मत आना। खाना और पहनने के लिए कपड़े देकर मुझे खुद का गुलाम समझते हैं। इनकी ये ताने सुनकर मैं नहीं जी सकता। अरे बच्चा नहीं हूं अब मैं। आओ समझते क्या है खुद को? क्या सिर्फ वही कमा सकते? मैं नहीं। अब तो घर वापस तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। लेकिन तुम जाओगे कहां? कहीं भी, लेकिन अपने घर तो बिल्कुल नहीं। और साईं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर वापस चलूं, तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं तो केवल तुमसे पूछ रहा हूं। कहां जाओगे तुम? शहर जाऊंगा, बंबई, पूना, अहमदनगर, कहीं भी चला जाऊंगा। और वहां जाकर अपना गुजारा कैसे करोगे? मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, लेकिन आपके ऐसे सवालों से मैं रुकने वाला नहीं हूं सर। बहुत अच्छे। बस अब एक बात और बता दो मुझे, क्या शहर जाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ले लो, तुम्हारे बाबा का ही है। आश्चर्य साईं, वो अपना बटुआ किसी को छूने तक नहीं देते। ये तो चमत्कार हो गया, बाबा का बटुआ आपके पास। चलिए अच्छा ही हुआ, अब इन्हीं पैसों से मैं बैलगाड़ी कर पूना चला जाऊंगा। चलो
तुम्हें बैलगाड़ी तक छोड़ देता हूं। आओ। अंता पंता पालकी निकालो, मुझे बाहर जाना है। भोजन बनाने वाले थोड़ी सावधानी बरते, नहीं तो पता चला कि मेरे आने से पहले कुलकर्णी वाड़ा ही स्वाहा हो गया। चलो, एक कह रहे हम कथे कहीं के। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। अरे सुनो भाई, ये बैलगाड़ी वाला कहाँ मिलेगा? अभी खाना खाने गया है, आता ही होगा। जब तक बैलगाड़ी वाला आता है, हम बैठकर उसका इंतजार करते हैं। आ जाओ। साईं, मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे रोकने की कोशिश करना चाहते हैं? तुम रुकना चाहते हो? अब आप ही बताइए साईं, अगर मैं अपने बाबा से कोई चीज मांगता हूं तो क्या गलत करता हूं? जब मैं कमाने लग जाऊंगा, मेरे बाबा वृद्धावस्था में लाचार हो जाएंगे, तो मैं ही उनके काम आऊंगा ना, मैं ही उनकी देखरेख करूंगा ना, और उस वक्त मैं अगर उन्हें ताने दूंगा तो कैसा लगेगा बताइए? मैं उनका इकलौता बेटा हूं साईं, मैं नहीं मांगूंगा तो और कौन मांगेगा? पड़ोसी। अब आप ही सोचिए ना, बाबा ने मुझे आज तक ये बटुआ छूने की इजाजत नहीं दी और आपको दे दिया। तब तो इसमें ढेर सारे पैसे होंगे। हाँ जरूर होंगे, मेरे बाबा थोड़े कंजूस है ना, वो सब पैसा बचा बचा कर रखते हैं। रुकिए अभी आपको दिखाता हूं। पर्ची? एक और पर्ची? रुपए की जगह पर्चियां? इस हालत में मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं बेहतर हो रही हूं ना, मेरी चिंता मत करो। तुम नहीं जाओगे तो मेरा तनाव और बढ़ेगा। तुझ पर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ। गोविंदा, ख्याल रखोगे ना अपनी मामी जी का? हाँ दादा। आप तो खुश, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपने हाथ से ही काढ़ा पिला कर जाऊंगा। ख्याल रखिएगा। तुम भी। अरे अध्यापक जी, आइए बैठिए। सुगंधा, पानी लाओ। गोविंदा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मैं गोविंदा को अभी लेकर आता हूँ। गोविंदा, वहां क्यों खड़े हो गए? जाओ अपने अध्यापक जी से जाकर मिलो। मुझे नहीं मिलना है,
गोविंदा, अपने अध्यापक जी की इज्जत करनी चाहिए। मामी की बात नहीं मानोगे? जाओ। ये जरी के कपड़े की रसीद है, वो बाबा मेरे लिए लेके आए थे ना, उसी की है। वो क्या है ना, आई और बाबा को तो शौक ही नहीं है किसी चीज का। क्या क्या हुआ? उधार लिया था और किश्तों में चुका रहे? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरा कागज देखो। गाड़ी वाहन की भी उधारी और वो भी पूना आने जाने की। बाबा तो कभी नहीं गए। हाँ, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। अंगूठी की रसीद, बाबा ने अपनी अंगूठी पिघलाकर मेरे लिए नई अंगूठी बनवाई थी। आप लोग बातें कीजिए, मैं देखता हूं खाना तैयार हुआ कि नहीं। तुमने होली खेली? खाना तैयार है। लगता है तुम कहीं बाहर जा रहे हो। मेरी चिंता छोड़ो, गोविंदा मेरे साथ है। तुम जाओ। गोविंदा, तुम अध्यापक जी से बातें करो, मैं चलता हूं। इसे मनाना टेढ़ी खीर साबित होगी मेरे लिए। गोविंदा, थाली ले जाओ अध्यापक जी की। मैं नहीं आऊंगा, आप खुद आकर दे दीजिए। नहीं गोविंदा, अपनी माँ से इस तरह से बात करना सही नहीं है। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। जाओ। सबको मैं ही मिलता हूँ दोष जमाने के लिए। दीजिए आई, क्या देना है? वहां रखा है, ले ले। अब भी लाया स्वादिष्ट भोजन अध्यापक जी। साईं, ये सब क्या है? बाबा ने लोगों से इतना कर्जा क्यों लिया हुआ है? साई, साई। मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी है। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर जरी के कपड़े पहनने से सुमित को खुशी मिलती है तो मैं उसे जरूर लेके दूंगा। लेकिन तुम ये मत कहना कि हम कर्ज लेकर उसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये सोचे कि उसका बाप इस लायक भी नहीं कि उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद सके।
साई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ सुमित कि जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, तुम्हारी मांगे, तुम्हारी फरमाइशें भी बढ़ती गईं, और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाबा लोगों से उधार लेते रहे, कर्ज में डूबते रहे, लेकिन कभी तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि वो किस मुश्किल में है। और तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे बाबा की आमदनी बहुत अच्छी है। तुमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता तो की, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी इच्छाएं पूरी कैसे कर पा रहे हैं। जिस हक से तुम अपने बाबा से चीजें मांगते रहे हो, वो सब ठीक होता, तार्किक होता, अगर तुम अपने परिवार, अपने बाबा के हालात के अनुसार उनसे मांग करते। क्या कहा था तुमने? तुम्हारे आई बाबा को कोई शौक ही नहीं है। किसे शौक नहीं होता? क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों वो सादगी भरे जीवन की बात करते हैं? क्यों साधारण रहने का तर्क देते हैं वो? स्वार्थी हो तुम तो अपने आई बाबा को कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि अगर देख पाते तो समझ पाते कि क्यों वो फटे पुराने कपड़ों में पैबंद लगाकर पुराने कपड़ों को सिलकर पहनना पसंद करते हैं। सच तो ये है कि उनके पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। सच तो ये है कि तुम अपने आई बाबा को कभी समझ ही नहीं पाए। अगर समझ पाते तो तुम्हें पता चलता कि वो खुद तो घास की सूखी चटाई पर सोते, पर तुम्हारे लिए नया गरम मुलायम गद्दा सिलवाया है उन्होंने। एक कहावत तो तुमने जरूर सुनी होगी सुमित, कि अगर इंसान की हैसियत का, उसके हालात का अंदाजा लगाना है तो उसके जूते उसकी चप्पल की तरफ देखना चाहिए। घर से निकलते समय गुस्से में गलती से तुम अपने बाबा की चप्पल पहन आए हो, इसीलिए चलने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था। जबकि तुम आरामदायक मोजड़ियां पहनकर चलते रहे, तुम्हारे बाबा ने हर कदम पर तकलीफ का सामना किया, पर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। जब वो अपनी सारी कोशिशें करने के बाद भी तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते, तभी गुस्सा होते थे तुम पर। और असल में वो गुस्सा तुम पर नहीं होता था, वो उनकी खुद पर झुंझलाहट होती थी तुम्हारी फरमाइश पूरी ना कर पाने के कारण, तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर पाने के कारण वो खुद से नाराज होते थे। पर तुम कभी यह समझ नहीं पाए। मिलाई तूने? मिलाई क्या? नहीं आई। सुगंधा, थाली अंदर लेकर आओ, दूसरी लगा कर देती हूं।
अब ये सब तू खाएगा। हुँ? झूठ बोलता है मुझसे। हाँ, खाने में मिर्च मिलाई ना तूने, क्यों करता है ये सब? जैसे जीने नहीं देगा मुझे। हाँ, तेरी यही सजा है। का मारने पीटने के सिवा और कुछ आता है आपको? बहुत बुरी है आप, नफरत करता हूँ मैं आपसे। बदतमीज, तो रुक, तुझे दिखाती हूँ मैं। फिर नहीं आऊंगा गोविंदा, रुक। नहीं आऊंगा मैं। बहुत बदतमीज हो गया। हाँ, आई बुरी है ना, रुक तू बाहर आ। तो रुक, तुझे बताती हूँ बुरी आई कैसी होती है। बदतमीज, वो तस्वीर ऐसी ही बिना बाल की औरत, इसी रंग की साड़ी, मतलब गोविंदा ने अपनी आई की तस्वीर बनाई थी बुराई के प्रतीक के रूप में। घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारे कारण वो कहीं निकल नहीं पाती है, दुखी रहती है, डरती है वो तुमसे, समझ में नहीं आता है तुम्हें। सुनिए, मैंने अब तक जो देखा और समझा, माँ और बेटे के रिश्ते में प्यार की जगह बहुत सारा गुस्सा है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। मैं गोविंदा का गुरु हूं और गुरु का काम केवल शिक्षा देना ही नहीं, अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर भी ले जाना है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं कुछ मदद कर सकता हूं। जिसे देखो यही सलाह दे रहा है कि मुझे मेरे बेटे से कैसे पेश आना चाहिए। आप गुरु होंगे लेकिन अपनी पाठशाला में, यहां नहीं। मेरा बेटा है गोविंदा, मैं उसे संभाल लूंगी, आप कृपया अपना काम कीजिए। मैं माफी चाहूंगा, माना कि ये आपके घर का निजी मामला है, लेकिन फिर भी मैं इसमें दखल दे रहा हूं। सच है कि गोविंदा बहुत शरारत करता है, लेकिन ऐसे डांट फटकार और पिटाई से उसके मन का डर निकलता जा रहा है और मन में सिर्फ नफरत बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वो आपसे दूर होता जा रहा है। गोविंदा के मन में बहुत सारा गुस्सा है, वो नहीं जानता कि वो उसे किस दिशा में लगाए, वो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं चाहता, अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता होता तो होलिका दहन वाली रात को वो उस नाई को खरी खोटी क्यों सुनाता? आप उसकी शरारतों के लिए उसे डांटती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, जिसके कारण प्यार करने वाली माँ की छवि की जगह गोविंदा के मन में आपकी छवि काफी डरावनी हो गई है। हाँ, पता है मुझे, गोविंदा के मन में मेरी छवि बिगाड़ने वाली वो वही नहीं है, उसी ने बिगाड़ के रखा है मेरे गोविंदा को। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, मैं अपने बेटे को अनुशासित करूंगी, सुधार के रहूंगी मैं उसको। अगर वो टेढ़ा है ना तो आई हूं मैं उसकी, सीधा करना आता है मुझे। आप स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पा रही हैं। मां के रूप में वो आपको जैसे देखता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती, और अब स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे ठीक कर पाना अकेले आपके बस में नहीं होगा। मतलब? मेरे पास कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लेकिन आपको मुझे वादा करना होगा कि मेरे वापस आने तक आप गोविंदा पर हाथ नहीं उठाएंगे। बाबा, सुमित, क्या हुआ सुमित, तू रो क्यों रहा है बेटा?
हाँ बेटा, क्या हुआ? ये बटुआ तेरे पास कैसे? सब जान गया हूँ बाबा, सब पता चल गया है मुझे। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे साई ने एहसास दिला दिया है कि मैं कितना गलत था। मैं आज के बाद कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगा बाबा। बेटा तुझे माफ नहीं करूंगा, कैसे माफ कर दूंगा? तू रोना बंद कर। धन्यवाद साईं, मेरे बेटे को वापस लाने के लिए, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। सुमित को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर आपको कब होगा? क्या आपको सच में लगता है कि गलती केवल सुमित की थी? आपकी नहीं। हमें हमेशा अपने बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति से परिचित कराते रहना चाहिए, ताकि बच्चे आपके त्याग को समझ सके, आपके संघर्ष को समझे, उसके महत्व को जाने वो, और इस घर के बाहर की दुनिया के संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर सके। और आपने तो सुमित को कभी अपनी परेशानियां बताई ही नहीं, कभी भी उसे सच से अवगत कराना जरूरी नहीं समझा आपने। आपके पास जो कुछ नहीं था वो सब कुछ आप सुमित को देना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुविधाएं देना, उनकी इच्छाओं को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आप कर्ज में डूब जाएं। अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करके, उसकी फरमाइशों को पूरा करके हर बाप का सीना गर्व से फूल जाता है, बस वो ये देख नहीं पाता कि उसके बच्चे का दिमाग भी धौंकने की तरह फूल रहा है। और बस बस एक फरमाइश अधूरी रही कि बच्चे की हवा ऐसे निकलती है जैसे जैसे सुमित की निकली। बच्चा चारों खाने चित। समझदारी इसी में है कि हम अपने बच्चों के साथ सच्चे और ईमानदार रहें, उन्हें सपनों की दुनिया से नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया से अवगत कराएं, उन्हें उनके दायरे बताएं, उन्हें बताएं कि आपकी चादर कितनी है और कितने पैर फैलाए जा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे उन्हें असफल समझेंगे। अगर आपके बच्चे आपको असफल समझते हैं तो समझने दीजिए उन्हें, कम से कम उन्हें किसी भ्रम में रखने से तो बेहतर रहेगा। और अगर सच नहीं बताएंगे उन्हें तो उन्हें जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार कैसे करेंगे आप? अल्लाह मालिक। क्या इस तस्वीर से कुछ समझ सकती हैं आप? चुड़ैल लग रही है। किसने बनाई? गोविंदा। गोविंदा ने इतनी
डरावनी बदसूरत तस्वीर बनाई है क्यों उसने? क्या है ये सब? मैंने बच्चों को होलिका का चित्र बनाने के लिए कहा था। होलिका बुराई की प्रतीक है, इसलिए मैंने बच्चों से कहा था कि वो अपने आसपास जो भी बुराई देखते हैं या जिनसे उन्हें डर लगता है, वैसे ही कुछ होलिका की तस्वीर बनाए। सब बच्चों ने अपनी कल्पना से लगभग एक जैसी तस्वीर बनाई, लेकिन गोविंदा ने सबसे अलग ये तस्वीर बनाई। क्या आपको नहीं लगता कि यह तस्वीर किसी से मिलती जुलती है? चेव, ये क्या किया तुमने? तुम अपना गुस्सा उस बेचारे गोविंदा पर कैसे निकाल सकती हो? तुमने उसकी इतनी उपेक्षा की है कि वो अपनी मामी में अपनी मां को ढूंढने लगा है। जीव, मुझे बहुत भरोसा था तुम पर, देखो क्या किया तुमने। ये तो होना ही था चीज, कहा था ना तुझे कि अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखना। अब किसके सहारे जिएगी तू? पति तो तेरा रहा नहीं, और था तो तूने उसे कभी अपना समझा नहीं। शायद ही तूने उसके साथ कभी समय बिताया हो। रुक्मणी बहिनी को तो तू शुरू से ही अपना नहीं मानती है, लेकिन जिस भाई पे तू उतराती थी आज उसी ने तुझसे मुंह फेर लिया। तेरा एक वो भतीजा जिसे तुझसे कोई लेना देना है ही नहीं, तेरा इकलौता सहारा, तेरा बेटा गोविंदा, लेकिन वो भी तुझसे नफरत करता है। और ये सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि आप स्वार्थी हैं, आपको सिर्फ अपनी चिंता रहती है। नहीं, आपके ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। आई आप बहुत बुरी है, मतलबी है, गंदी है। नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं देख लो। क्या तुम चाहती हो जब तुम्हारा अंत समय आए तो तुम ऐसी घटनाओं को सोच सोच कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो? नहीं, 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 नहीं।
देखिए अब रोइए नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक अध्यापक हूं और अपने विद्यार्थियों को कैसे संभालना चाहिए ये मैं अच्छे से जानता हूं, और इसीलिए मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। गोविंदा को सुधारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आपका और उसका रिश्ता ठीक हो जाएगा। आपको कोशिश करनी होगी और आपकी मदद के लिए मैं यहां हूं ना, हम दोनों साथ ही जिम्मेदारी उठाएंगे तो हो जाएगा। मैं अपने गोविंदा को वापस पाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। साई, मैंने गोविंदा की आई को आश्वस्त तो कर दिया है कि मैं मां और बेटे के बीच की दूरियों को खत्म करने में उनकी मदद करूंगा, उनके बेटे की शैतानियों को सुधार दूंगा, उसे सही रास्ते पर ले आऊंगा। लेकिन साई, ये तभी मुमकिन है जब गोविंदा मेरी बात माने, पर वो तो मुझसे नफरत करता है। आपके दिखाए राह पर चलकर मैं सभी बच्चों का दिल जीतने में कामयाब रहा, सिवाय गोविंदा के। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि गोविंदा का मुझ पर एतबार हो और वो ये समझे कि मैं उसकी भलाई चाहता हूं। क्या देख रहे हैं साईं? तितली। तितली कहाँ है? तितली ध्यान से देखिए, अगर आप उस तितली को ढूंढ पाए तो हो सकता है गोविंदा को लेकर आपकी जो भी उलझने हैं वो सुलझ जाए। जारी रखिए, तब तक मैं पानी भर के लाता हूं। और हां, जहां उम्मीद भी ना हो सर वहीं कुछ मिल जाता है, बस कोशिश न छोड़े। पर फिर पहेली बुझा के चले गए साईं, कहां से ढूंढूं तितली? मां होना आसान नहीं है, मैं जानती थी, लेकिन इतना मुश्किल होगा
मुझे ये पता नहीं था। मैं मानती हूँ मैं सही नहीं हूँ गोविंदा, लेकिन तू नहीं जानता पिछले कुछ दिन मेरे लिए जीने से सरल मरना होता। वही घुटन, वही गुस्सा तेरे पे निकाल दिया, ज्यादा ही निकाल दिया। माफी तो मांग लूं मैं, लेकिन जो तेरा विश्वास खोया है मैंने, वो कैसे लौटेगा? मेरी चिंता ये है। सोने दीजिए ना मामी जी। मैं तो बस, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। एक ही तो मेरा अपना है, वो भी दूर हो गया मुझसे। अब जियो तो किसके लिए? जानते हैं ये तितली आपको कैसे मिली है? क्योंकि आपने हार नहीं मानी, दृढ़ रहे आप। और कुछ ऐसा ही आपको गोविंदा के साथ भी करना होगा। सबूरी रखिए, सब ठीक होगा। जानते हैं ये तितली आपको कैसे मिली है? क्योंकि आपने हार नहीं मानी, दृढ़ रहे आप। और कुछ ऐसा ही आपको गोविंदा के साथ भी करना होगा। गोविंदा का विश्वास जीतने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं सूझ रहा है। अरे गोविंदा, पाठशाला जा रहा है ना, चल मैं भी तुम्हारे साथ आता हूं। हाँ
पाठशाला गया तो अध्यापक जी का सामना करना पड़ेगा, फिर वही किट किट। ना उद्धव, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, तू जा मैं अभी आया। हाँ हाँ, लेकिन जल्दी आना। हाँ ठीक है, जा। प्रणाम अध्यापक जी। प्रणाम। उद्धव, गोविंदा कहाँ गया? वो तो तुम्हारे साथ आ रहा था ना? जी अध्यापक जी, उसे कुछ काम याद आ गया था, वो काम पूरा करके जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। गोविंदा अब तक नहीं आया, काफी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। बच्चों, तुम लोग इन सवालों का हल निकालो, मैं अभी आता हूं। जी अध्यापक जी। दीक्षां देहि। राम जी भला करे। राम जी भला करें। वैसे भी किसी को मेरी चिंता है नहीं, जब किसी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? अब से पाठशाला ना जाकर यहीं आके आम खाया करूंगा। तुम नीचे कूदो, मैं तुम्हें थाम लूंगा। ये अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? लगता है डर की वजह से जड़ हो गया है। मास्टर जी संभल के, गोविंदा को पकड़ने के लिए तैयार है ना?
गोविंदा तुम ठीक तो हो ना? अच्छा बग्गी! साई, इन्हें साई के पास लेके चलिए। हाँ, चलिए। इसी को कहते हैं होनी। पढ़ाना छोड़कर गोविंदा को ढूंढने निकले थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोविंदा को पाठशाला आते देखा था और जब वो नहीं पहुंचा तो परेशान होकर गोविंदा को ढूंढने निकल पड़े और देखो क्या हो गया उनके साथ। अरे ये तो वीरभद्र है। इसके आगे अल्लाह मालिक। साई, अध्यापक जी को क्या हो गया? वो आंखें क्यों नहीं खोल रहे? शायद इन्होंने अभी तक वो आवाज नहीं सुनी है जो ये सुनना चाहते हैं। आवाज किसकी? अध्यापक जी उठिए ना, उठिए ना अध्यापक। अध्यापक जी उठिए ना। अध्यापक जी उठिए ना। अध्यापक जी उठिए ना। ठीक तो ना।
हमें कुछ हुआ तो नहीं ना? इनका लगाव देखो अपने छात्रों से, खुद का ठिकाना नहीं, लेकिन आंख खुलते ही अपने विद्यार्थी से उसका हाल पूछ रहे। सच में बहुत नेक अध्यापक है ये, अगर गोविंदा को ढूंढने नहीं जाते तो इनका ये हाल ना होता। बस! मुझे बचाने नहीं आए थे आप? क्या? हाँ, आपने सोचा होगा मैं 5 साल नहीं आया हूँ तो मुझे पकड़कर घर ले जाएंगे और ऐसे मार खिलाएंगे। अब तो सब यही बोलेंगे कि मेरी वजह से आपको सांप ने काटा, आप मेरी वजह से मरने वाले थे और घर जाकर कूटा जाऊंगा मैं। तुम मुझ पर बार बार संदेह करते रहते हो। क्योंकि आपने ऐसा पहले भी किया है। वो पहले की बात थी गोविंदा, पिछले कुछ दिनों से मैं तुमसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं दिख रहा तुम्हें? नहीं चाहिए आपकी दोस्ती, आप भी आई की तरह नाटक कर रहे हैं सबको दिखाने के लिए। मुद्दू नहीं हूँ मैं साई, सब समझता हूँ मैं। ये क्या दिख रहा है? 3। और आपको? 6। कुछ समझ में आया? नहीं, दरअसल आंख एक ही है लेकिन नजरिए 2। हम सब हर चीज को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरे के नजरिए से नहीं। गोविंदा, तुम अध्यापक जी की जगह पर आओ, श्रीकांत जी अभी इधर आइए। आप देखकर बताइए। 6। देखा आप लोगों ने, हमें लगता है कि केवल हम ही सही कह रहे हैं, पर जब हम जगह बदलते हैं, दूसरे की स्थिति में जाकर देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि सच तो कुछ और ही है। गोविंदा, मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना सही है, लेकिन तुम उस इंसान पर गुस्सा हो रहे हो जिसकी कोई गलती ही नहीं है। मेरा विश्वास मानो, श्रीकांत जी हमेशा से तुम्हारा भला चाहते हैं। देख लिया मैंने ये कितना भला चाहते हैं मेरा, इनके कारण बार बार आई मुझे डांटती है। और मारती है। और तुम्हारी वजह से अध्यापक जी को भी तो बहुत तकलीफ हुई है। अब आप लोगों की इस समस्या का, इस झगड़े का बस एक ही सरल उपाय है मेरे पास, कि आप लोग एक दूसरे से अपनी चप्पलें बदल लें। सोचे नहीं, जैसा कहा है वैसा करें। साईं, भला इसकी चप्पल मेरे पैरों में कैसे आ सकती? कोशिश तो कीजिए।
क्या हुआ? बहुत धूप है, मेरे पैर जल रहे हैं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप यहाँ से सीधा जाइए, फिर दाहिनी बाई मुड़िए, फिर आपकी नाक की तरह एकदम सीधे सीधे चलते जाइएगा और थोड़ी दूरी पर आप पहुंच जाएंगे। अध्यापक जी, आपके लिए लाया हूँ, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफी नहीं किया। ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो लाओ। श्रीकांत जी, मैं जानता हूं कि आपसे जो कुछ भी हुआ वो पहले वाले श्रीकांत ने किया था, और अब आप बदल चुके हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि गोविंदा की पीड़ा को आप एक सबक के रूप में लेंगे। ये हमेशा याद रखेंगे कि आपके कर्मों से, आपके व्यक्तिगत व्यवहार से दूसरे भी प्रभावित हो सकते हैं। और गोविंदा, अध्यापक जी को तुम्हारी शिकायत करनी होती तो जब बासी जलेबी खाकर इनकी तबीयत खराब हो गई थी तब करते तुम्हारी शिकायत। या कल जब तुमने इन्हें मिर्च वाला खाना खाने के लिए दिया था तब करते। लेकिन नहीं, तब भी ये खामोश रहे। तुम्हारी आई को सच का पता खुद से चल गया था, और आज इन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। खुद की जान खतरे में डालकर और होश में आने पर सबसे पहले शब्द क्या थे इनके? तुम ठीक तो हो गोविंदा, यही कहा था ना इन्होंने। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वजह से अध्यापक जी को इतनी परेशानी हो जाएगी। श्रीकांत जी को अपने गुरु के साथ अपना दोस्त भी समझो तुम। बहुत हिम्मती दोस्त मिला है। देखो, सांप से भी बचा लिया तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिए। बहुत गुस्सा था आपसे। कुछ और दिन गुस्सा रहना चाहते हो तुम मुझसे? नहीं नहीं, बस हो गया। और हाँ, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए गोविंदा।
मदद तो तुमने भी मेरी की है। उस दिन वो भासी जलेबियां खिलाकर, अगर उस दिन मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो शायद मुझे बदलने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही मैं समझ पाता कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। इसलिए तुम भी मुझे माफ कर दो गोविंदा। और अगर तुमने मुझ पर विश्वास खोया है तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। वैसे एक बात तो आज अच्छी हो गई, अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ दुश्मनी के बाद ही दोस्ती की शुरुआत होती है। क्यों उद्धव, मैं सही कह रहा हूं ना? हम भोजन करने कब आएंगे? भोजन भोजन तो होता रहेगा, आज हम जश्न मनाएंगे अपनी नई नई दोस्ती का। जलेबी खाने चले? जलेबी? परेशान मत हो, मैं तुम्हें ताजी जलेबियां खिलाऊंगा, बासी नहीं। अब शायद मैं गोविंदा की आई को दिया हुआ वचन पूरा कर सकूं। साई, ये मेरे दादा और वहीनी है। साई, हम आपके पास एक विवाद का निपटारा करने आए हैं। आइए। हमारे बाबा इलाके के जाने माने जोहरी थे, हाल ही में उनका देहांत हुआ है और वो हमारे लिए वसीयत छोड़ गए। वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद सब उन्होंने दादा के नाम कर दी। मेरे नाम ये कि शेर भर वजन वाला पत्थर छोड़ गए। ये पत्थर उन्हें बहुत प्रिय था, वो हमेशा इसे अपने पास रखते थे। वो कहते थे कि इसे देख के उन्हें पुराने दिनों की याद आती है, जब वो इस पत्थर से तोल के सब्जी बेचा करते थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो मेरे हिस्से में ये पत्थर देंगे। साईं, मुझे तो लगता है संपत्ति हड़पने के लिए वसीयत में हेरफेर की है दादा ने। छोटे, सोच समझ कर बोला कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। अरे बचपन से हम साथ में खेले कूदे हैं, साथ में पले बड़े हैं, और मैं तेरे साथ ये घटिया हरकत करूंगा? और जरा अपनी तरफ देखिए तो देवर जी, आपकी इसी हालत की वजह से आपकी शादी भी नहीं हो रही है। काम धाम तो कुछ नहीं करते हैं आप, सारा काम आपके दादा करते हैं। और ससुर जी सब समझते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि अगर आपका आपका हिस्सा मिल जाएगा तो बेकार ही जाएगा। वैसे भी आपको जरूरत क्या है, आपकी देखभाल तो हमें ही करनी है ना। साईं, आप तो ये वसीयत देख लीजिए, इस वसीयत में अगर कोई हेरफेर लगे तो आप मुझे बताइए। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि आपको केवल यह पत्थर मिलेगा। और अगर आपके बाबा ही ये चाहते थे तो फिर
तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक काम किया जा सकता है, एक बार इस पत्थर को बाजार में दिखा लीजिए, इसकी कीमत पता कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये पत्थर आज के आज नहीं बेचना है आपको, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। साईं, पिताजी कभी छोटे को अकेले कहीं जाने नहीं देते थे, हमेशा किसी ना किसी को साथ भेजते थे। आप देख सकते हो साईं, बेचारा लाचार है। आपको अपने भाई के लिए फिक्रमंद देखकर अच्छा लगा मुझे। चलिए हम भी उसके पीछे चलते हैं। जी मैं एक अध्यापक हूं और अपने विद्यार्थियों को कैसे संभालना चाहिए ये मैं अच्छे से जानता हूं, और इसीलिए मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। गोविंदा को सुधारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बहुत मजा आया था तभी। क्या सोच रहे है? सोच रहा हूँ कि तुम पहले मुझसे कितना नफरत करते थे, और वो भी सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। इसलिए साई कहते हैं पहले गलत फहमी दूर करो, क्योंकि अक्सर वही सारी समस्याओं की जड़ होती है। तुम भी यही मानते हो? बिल्कुल, देखिए ना, हम दोनों भी एक दूसरे को गलत समझते थे। हाँ, और ठीक इसी तरह हो सकता है कि तुम अभी भी किसी को गलत समझ रहे हो। किसे? अपनी आई को। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी आई को अच्छी तरह समझता हूँ। जैसे आप कह रहे वैसे ही साई भी पहले कह चुके हैं कि आई मुझसे प्यार करती है, लेकिन सच ये है कि आई नाटक कर रही है मेरा ध्यान रखने का, क्योंकि वो मामा जी को दिखाना चाहती है कि वो मेरा ध्यान रख सकती है। वो अच्छी आई है, जबकि वो आपके और साई के सोच से बिल्कुल उल्टी खोपड़ी है मेरी आई। जब मैं कोई शरारत करता हूँ तो मुझे मारती है, और आजकल तो मुझे रोज आई के गुस्से का सामना करना पड़ता है। कल देखा था ना आपने, कल गलती तुम्हारी थी, तुमने खाना जानबूझकर मिर्ची डालकर खराब किया था, जबकि उन्होंने भोजन बड़ी मेहनत के साथ बनाया था। जरा सोचो, अगर तुमने खाना बनाया होता और जैसा तुमने किया वैसा तुम्हारे साथ कोई करता, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? क्या तुम्हारी आई का गुस्सा गलत था? कल की बात छोड़ दो और मुझे ये बताओ कि पहले जब भी तुम्हारी आई ने डांटा था तुम्हें, तो क्या तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनको गुस्सा आया? तुम्हें पता है कल तुम्हें सजा देने की कोशिश करने के बाद तुम्हारी आई बहुत रोई थी, उन्हें भी इस बात का दुख था। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुमसे कितना प्यार करती है? आई रो रही थी, मैं नहीं चाहता कि मेरी आई रोए, लेकिन उन्हें मुझे मारना नहीं चाहिए ना। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन बेटा डांट फटकार में भी माँ का प्यार छुपा होता है। माँ कितना भी गुस्सा करे
लेकिन उसके पीछे उसका मकसद हमेशा अपने बच्चे की भलाई ही होता है। तुम मेरी बात मानोगे, एक अच्छा बेटा बनके दिखाओगे, फिर देखना तुम्हारी आई तुम्हें प्यार करने वाली, तुम पे ममता लुटाने वाली, वैसी आई बनेगी जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा था। और ये मेरा वादा है तुमसे। तो बताओ, एक अच्छा बेटा बनोगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? फिर बन के दिखाओ, एक दिन के लिए सही। जब तुम्हारी आई तुम्हारे पास आए तो उन्हें दुकारना नहीं बल्कि उनके साथ प्यार से पेश आना, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। सुधरे कपड़े पहनाकर भेजा था मैंने तुम्हें गोविंदा। आई मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूं आपको कपड़े धोने में तकलीफ होती है, आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। गोविंदा को क्या हो गया है, इतने प्यार से बात कर रहा है? अरे नहीं कोई बात नहीं, कपड़ों को छोड़ो, तुम कहीं गिरवर तो नहीं गए थे ना? चोट वोट तो नहीं आई तुम्हें? दादा के कमरे से वहीनी को औषधि निकाल कर देने के लिए कह दो। नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। गोविंदा, इसके अंदर से कोई चूहा छिपकली तो नहीं निकलेगी ना? वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। अरे खोलिए 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 ना। लट्टू, ये सब क्या है गोविंदा? आपके लिए आई, आपको ये सब पसंद है ना? मेरे लिए लाए हो तुम ये सब? हाँ, आज गोविंदा ने दुकान से सारी सामग्री चुन चुन के खरीदी। कह रहा था कि मेरी आई को ये लड्डू पसंद है, ये जलेबी पसंद है, ये फरसान पसंद है। मुझे मेरी आई की पसंद की सारी चीजें खरीदनी है, है ना गोविंदा? ताई, अध्यापक जी आ गए, आपने उनके लिए खाना नहीं बनाया।
अरे देवा, तुम जाओ, जाओ। माफ कीजिए अध्यापक जी, वो खाना बनने में थोड़ी देर और लगेगी, क्या आप थोड़ा समय और इंतजार कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। गोविंदा है ना मेरे साथ? क्यों गोविंदा? हाँ आई, अब जल्दी जल्दी खाना बना लीजिए, खाना खाने के बाद हम सब मिलकर ये खाएंगे। अब थोड़ी देर और, मैं अभी आती हूँ। भाऊ, आप इस वजन करने वाले पत्थर के कितने पैसे देंगे? अरे भाई क्या मजाक कर रहे हो, मैं दूध बेचने वाला हूँ, ना कि कोई दुकानदार, और इस पत्थर की मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाऊ मैं दुकानदार हूं मगर सोने चांदी का, इस शेर भर पत्थर को लेके मैं क्या करूंगा? या तो रत्ती और तोले में लेन देन होता है, जाओ कहीं और देखो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ भाऊ रुको। भाऊ ये वजन करने वाला पत्थर मुझे आम पत्थरों से अलग लगता है, शायद मैं इसका इस्तेमाल जेवर बनाने के लिए कर सकता हूँ, तुम्हें बेचना इसे? हाँ कितने में खरीदेंगे? दिखाओ। लगता है इस मूर्ख को इस पत्थर की कीमत का अंदाजा नहीं है, इसका मतलब यह है कि मैं इस पत्थर को कौड़ियों के भाव में खरीद सकता हूं। 20 रुपए? 20 रुपए? एक बार इस पत्थर को बाजार में दिखा लीजिए, इसकी कीमत पता कर लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये पत्थर आज के आज नहीं बेचना है आपको। क्या हुआ? नहीं मुझे इसे बेचने की जल्दी नहीं है। क्यों? अभी तो बेचने के लिए भाव पूछ रहे थे, अब क्या हुआ? बेचना है पर बाद में, मैं अभी आता हूं। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, वरना ये सुनार अचानक से इसके 20 रुपए देने को राजी क्यों होता? मुझे कुछ और लोगों के पास जाना चाहिए। लगता है आपके भाई को अभी थोड़ा समय और लगेगा, तब तक आप लोग यहां क्यों खड़े रहे? जाइए कुछ खा पी कर आइए। पर साईं, जाइए कुछ खा के आइए, जाइए। स्वादिष्ट है।
अध्यापक जी खा रहे हैं। आइए ना, हम लोग भी मिलकर मिठाई खाते हैं। लेकिन गोविंदा, पहले तुम जाकर अपने वस्त्र बदल कर आ जा। बहुत समय बाद मैं मेरे बेटे के साथ अच्छा समय बिता पा रही हूँ। ये सब केवल आपकी वजह से संभव हो पा रहा है। एक अध्यापक होने के नाते ये मेरा फर्ज है अपने विद्यार्थियों के प्रति। लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर है, कहीं कहीं बाद में हालात फिर से पहले जैसे हो गए तो गोविंद अब फिर से मुझसे दूर भागने लग गया तो उसके दिल में मेरे बारे में बहुत नफरत भरी है, गुस्सा है उसके दिल में मेरे लिए। इसलिए तो उसने वो राक्षसी रूप में मेरा चित्र बनाया था। क्या उसके दिल में मेरे प्रति जो गुस्सा है वो इतने जल्दी खत्म हो पाएगा? मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको खुद को माफ करना होगा। देखिए ना, आप अभी भी अपने डर और अपने अपराध बोध में उलझी हुई हैं। इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि गोविंदा फिर से वैसा व्यवहार करना शुरू कर देगा। गोविंदा एक बच्चा है और बच्चों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो एक गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देना चाहें हम उन्हें वैसा आकार दे सकते हैं। जब आपका व्यवहार उसके लिए बदल जाएगा तो देखिएगा उसका व्यवहार भी आपके लिए बदल जाएगा। यह पारस्परिकता जरूरी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सच्चे दिल से माफी मांगने पर गलती तो नहीं सुधरती है, लेकिन हाँ, हमारी आत्मा से बोझ उतर जाता है। और जिस इंसान का हमने दिल दुखाया हो उसकी तकलीफ भी कम हो जाती है। आई, मैंने कपड़े बदल लिए, अब आप मेरे साथ खाएंगी ना? गोविंदा, मैं आज तक बहुत सख्ती से पेश आई हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत दुख दिए हैं मैंने तुम्हें। तू बेटा है मेरा, दुनिया हो मेरी। बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे, लेकिन क्या करूं, हो तो तुम्हारी ही आई, तुम्हारे जैसी ही हूं। पागल, प्यार कैसे करते हैं, कैसे जताते हैं, आता ही नहीं है। लेकिन गोविंदा, इस पूरी दुनिया में मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया का गुस्सा तुम पे उतार देती हूँ। मगर इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगी। बस अब तक के लिए मुझे माफ कर दो। आई, मुझे भी माफ कर दीजिए। मुझे पता है आपको मेरे कारण कितना दुख सहना पड़ा है। जब आप मुझे मारती थी, डांटती थी, उसमें मेरी भी तो गलती रही होगी। मतलब हम दोनों की गलती थी ना? मतलब हिसाब बराबर। अगर आज तुम हमारे बच्चे के साथ होती तो तुम भी हमारे बच्चे को इतना ही प्यार करती। शुक्रिया साईं, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। सुनिए,
क्या मुझे आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हैं? पहले ये बताओ, तुम्हें पत्थर मिला कैसे? कहाँ से लाए इसे? जी, ये मेरे बाबा का है। क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? रामदास जोहरी। ये वाकई में अलग किस्म का पत्थर है। इसके मैं 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए? जी, मेरा विचार बदल गया है। मैं इसे अभी नहीं बेचूंगा। अरे भाऊ, आप तो नाराज हो गए भाऊ। आप बताओ, किस भाव में बेचोगे मुझे? फिर किसी दिन। अरे भाऊ लेते ना भाऊ, अभी खरीदता हूँ मैं। अरे चलो, उसकी छोड़ो, मेरी सुनो। बेचने ही आए हो तो काम पूरा करो ना। 100 नहीं 150 देता हूँ, ला मुझे दे दो। मैं 200 देता हूँ। मैं 250 देता हूँ। मेरे साथ चलिए, बैठिए। सरकार ने वाड़े के बाहर इंतजार करने के लिए कहा है ना? पता नहीं कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया। ये ले। सरकार के वाड़े में हंसी ठाके की आवाज कमी आती है। लगता है कोई मेहमान आया है। मैं दूंगी तुम्हें। आप नहीं देते। मैं दूंगी। नहीं दोगे? कसम से। ले। आ। कहाँ है गोविंदा? कहाँ है जलेबी? आपकी जलेबी यहाँ है। गोविंदा जलेबी यहाँ। गोविंदा जलेबी दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अंदर वो नए वाला अध्यापक जी है ना, और वो सरकार की विधवा बहन चुई है ना। हम तो सोचते थे कि सरकार बहुत सख्त होंगे विधवा के रहन सहन को लेकर, समाज में ऊंच नीच को लेकर। हरिओम हरिओम।
इन लोगों को मैंने बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, ये अंदर क्यों झांक रहे हैं? रुक जाओ, नीचे रखो। हरिओम। तमाशा चल रहा है अंदर? शुक्रिया साईं। अपने बर्ताव के लिए क्षमा चाहते हैं। क्षमा? आखिरी दाम 1000 रुपए दूंगा, इससे 1 रुपया कम न ज्यादा, क्योंकि इसका भाव इससे अधिक नहीं है। बिल्कुल सही भाव बताया इन्होंने, यही उचित कीमत है तुम्हारे पत्थर की। भेज दो। ये लो 1000 रुपए और वो पत्थर मुझे भेज दो। अरे लेने से पहले ये तो बता दीजिए कि ऐसा खास क्या है इसमें? आप लोग कौन? हम भैया भाभी हैं इनके। कमाल है, आप लोग इस पत्थर के बारे में नहीं जानते? आप दोनों इतने बड़े जौहरी के बेटे हो और अपनी ही नाक के नीचे रखे इस कीमती पत्थर को भी नहीं परख पाए? अरे बहुत बहुत कीमती पत्थर है, इसकी कीमत छिपाने के लिए इसके ऊपर आवरण चढ़ाया गया है ताकि ये वजन करने वाले पत्थर की तरह दिखे। साई, क्या मैं इन्हें? साईं, मुझे तो पता नहीं था लेकिन आपको सब पता था, है ना? सारे पैसे अकेले तू हड़पना चाहता है, इसमें मेरा भी हिस्सा है, क्यों नहीं ले सकता? पापा ने वो पत्थर मेरे हिस्से में छोड़ा था, जानते हैं इससे क्या साबित होता है? पापा आपसे ज्यादा मुझे चाहते थे, इसीलिए बाबा ने सबसे कीमती चीज मेरे नाम छोड़ी। और मैं मूर्ख सारी जिंदगी से समझ ही नहीं पाया। ससुर जी संपत्ति और पत्थर समान रूप से आधा आधा बांटते गए थे। वो तो मैंने सोचा कि धन और संपत्ति का आप करेंगे क्या, इसीलिए मैंने अपने पति को कहा वसीयत बदलने को। मैं तुम्हें समझ में भी आ रहा क्या बोल रही हो तुम? आप लोगों ने धोखा दिया है मुझे, क्यों, किसने है? बिल्कुल सही सोचा था आपने, आपके पिताजी ने संपत्ति के 2 बराबर हिस्से ही किए थे और इन लोगों ने सोचा कि आप संपत्ति का क्या करेंगे, आप तो विकलांग हैं,
और दौलत के लालच में ये लोग इतने अंधे हो गए कि जैसे ही इन्होंने वसीयत में ये पंक्ति पढ़ी कि पूरी संपत्ति दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटी जाए, वहीं के वहीं नई वसीयत बनाकर सारी संपत्ति अपने नाम हस्तांतरित करने का फैसला ले लिया इन्होंने। और आपके हिस्से में वो पत्थर आया जिसे आपके बाबा सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आपका सोचना था कि वसीयत में हेरा फेरी की गई है, जबकि सच तो ये है कि पूरी की पूरी वसीयत ही बदल दी गई। और मुख्य रूप से ये योजना आपकी भाभी की थी। आपके भाई साहब तो इसमें अंत तक आश्वस्त नहीं थे, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। आपके बाबा ने अपने जीवन की सारी कमाई उस पत्थर, उस रत्न को खरीदने में लगाई थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा निवेश था वो। उस रत्न पर एक विशेष प्रकार का आवरण चढ़ाकर उन्होंने लोगों की नजर से उसे बचाया, उसे वजनदार बनाया ताकि उसे लोगों की नजर से छुपा सके। पत्थर जैसे आवरण में छुपे उस रत्न की कीमत आपके पिताजी की सारी संपत्ति के दोगुने मूल्य से भी अधिक थी। देखा आपने, कभी कभी ऐसे ही किस्मत की बाजी पलट जाती है। आप निस्वार्थ थे, इसीलिए उस बेशकीमती पत्थर का उचित मूल्य मिला आपको और अपने भाई की संपत्ति की दोगुनी संपत्ति के मालिक बने आप। चलो जाओ, जा अपना काम करो। चलो मर्यादा सब भुला दिया, मैं बाहर क्या चला गया, लाज लज्जा बेच कर खा गए तुम लोग। और अध्यापक जी आप तो ये है आपका असली चरित्र। मेरा नमक खा के मेरी नाक काटने पर तुले हैं आप। आए थे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, काम से काम रखूंगा इत्यादि, तो ये काम कर रहे हैं आप। मेरे वाड़े में बैठने की आपको अनुमति क्या दे दी? आप तो मेरे अनुपस्थिति का अनैतिक लाभ उठाने लगे। और च्यूत तू, क्या कहूं मैं तेरे बारे में, तू तो कलंक है कलंक। से सारी आशाएं त्याग दी है मैंने। दिन ब दिन मेरे नजरों में गिरती जा रही है तू अपने व्यवहार से। निर्लज्ज कहीं की, पराये पुरुष के सामने तेरा यह व्यवहार मर्यादित था, बता उचित था? क्या
कैसे भूल जाती है तू कि तू एक विधवा है? विधवा सरकार, आप गलत समझ रहे हैं। चुप। हमारे परिवार के नहीं हो तुम, इसके बीच में नहीं बोलोगे, समझे? भूल तो मुझसे हुई है जो तुझे मैंने छूट दे रखी है, लेकिन अब नहीं, अभी से तेरे सब सुख साधन बंद। वाड़े में भी तू विधवा बन के ही रहेगी। तेरा रहना अलग, बिना मिर्च मसाले का भोजन अलग, यहां तक कि तू ये भी सुनिश्चित करेगी कि शुभ कार्य में तेरी परछाई हम पे पड़ के वो हमें अपवित्र ना करे।